आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेक्निकल सपोर्ट जॉब की फुल डिस्क्रिप्शन के बारे में कि एक्चुअली में जो टेक्निकल सपोर्ट पे जो जॉब करते हैं उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, जो बेसिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टार्टिंग करियर में, तो वो आज इस पर डिस्कस करेंगे और पूरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए और बेसिक एप्लीकेशन हो गए, तो इन सब पे आपको एक ट्रबल शूटिंग प्रोवाइड करानी पड़ती है। अब देखो टेक्निकल की प्रोफाइल है ये, तो टेक्निकल में अब क्या हो जाता है कि अगर मोबाइल फ़ोन यूज़र है या वहाँ पे टैबलेट वगैरह यूज़ होते हैं, जो मैक के हो गए या लेनोवो के, किसी का भी टैबलेट हो व्हाटएवर, तो वो जो टैबलेट होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, तो उन पे भी आप लोगों को सपोर्ट देना पड़ता है अगर आप टेक्निकल सपोर्ट में जॉब कर रहे हो तो। एंड दोस्तों जो सेकेंडरी क्या होता है टेक्निकल सपोर्ट में, कई कंपनीज होती हैं और बेसिकली जो MNCs कंपनी है तो उसमें क्या है कि सिस्टम्स को रिमोट पे लेके भी चेक करना पड़ता है, मतलब कि पता चले सिस्टम वो किसी दूसरी लोकेशन का है और आपको वो सिस्टम रिमोट पे लेके भी देना पड़ेगा, या मतलब आप बोल सकते हो कि लगभग लगभग 70 to 80% वहाँ पे फिजिकली होता है, 20% बोलते हैं ना कि वॉइस प्रोसेस है या नॉन वॉइस प्रोसेस, तो मैं बोलूँगा अराउंड आपको मान लो 20% या 25% आपको टेक्निकल सपोर्ट में वॉइस प्रोसेस मिल जाएगा, जो कि आपको ओवर कॉल्स भी क्वेरी हैंडल करनी पड़ती हैं। और तो मतलब एक IT के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जितनी भी IT के गैजेट्स होंगे, जितनी भी IT की चीज़ें होंगी, वो सारी टेक्निकल सपोर्ट वाले बंदों को हैंडल करनी पड़ेंगी। जैसे कि टेक्निकल सपोर्ट में कहीं एंड्रॉयड डिस्प्ले बड़ी बड़ी सी यूज होती है, देखते हैं ना जो मेट्रो स्टेशन वगैरह पे या और कहीं देखा हो, जो बड़ी बड़ी सी डिस्प्ले एंड्रॉयड डिस्प्ले लगी होती हैं उस पर भी सपोर्ट देना पड़ता है। ये राउटर, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, डिस्प्ले वगैरह अगर कंपनीज में यूज़ हो रही हैं। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक बिग ब्रांड, एक मल्टीनेशनल कंपनीज की, तो वहाँ पे एक हर एक चीज़ के अलग अलग वेंडर होते हैं। अगर आप टेक्निकल सपोर्ट पे हो तो आपको फिर टेक्निकल सपोर्ट ही देखना। जैसे कि मैं बात करूँ अगर मल्टीनेशनल कंपनीज की, तो वहाँ पे हार्डवेयर इंजीनियर अलग होगा, जैसे कि प्रिंटर के लिए कोई अलग इंजीनियर है, सिस्टम का जो हार्ड डिस्क वगैरह या ओपन क्लोज करता है या खोलता बंद करता है, तो उसका इंजीनियर एक अलग होगा। और आपको अगर रिमोट सपोर्ट पे रखा है तो वही काम करना पड़ेगा, टेक्निकल पे रखा है तो वही काम करना। मैं कुछ कंपनीज की बात कर रहा हूँ जहाँ तक जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है, एक्चुअली मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बट अगर आप इस मॉल में जाओगे तो हार्डवेयर भी देखना है, एप्लीकेशन भी देखना है, नेटवर्क भी देखना है, बेसिक सा। यहीं पर डेस्कटॉप सपोर्ट होता है प्रोफाइल, जो L1 प्रोफाइल होती है, तो उसमें क्या है कि अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट पे हो तो फिर आपको रिमोट पे इतना ज़्यादा नहीं देखना होता है और ओवर कॉल इतना ज़्यादा नहीं देखना पड़ता है। इसमें आपको अराउंड मैं तो बोलूँगा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि 99% आपको नॉन वॉइस ही मिलता है कि आप कंपनी में रहोगे, वहाँ पे जितने भी गैजेट्स हैं उनको ही टेबल शूटिंग प्रोवाइड कराओगे, ओवर कॉल नहीं टेबल शूटिंग होगी, रिमोट पे टेबल शूटिंग नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट टेक्निकल में अब ये नहीं है कि एक ही कंपनी में लैपटॉप, प्रिंटर्स, डेस्कटॉप, हार्डवेयर वो भी यूज़ हो रहे हैं और वो जो बड़ी मैंने डिस्प्ले बताई वो भी यूज़ हो रहे हैं, तो ये भी नहीं है। वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि आपका जिसमें सिलेक्शन हुआ है वो LCD वाली कंपनी है, या आपका जिसमें सिलेक्शन हुआ है वो फाइनेंस की कंपनी है किसके, तो ये डिपेंड करता है। बट टेक्निकल सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अपनी अलग अलग कंपनी होती हैं, कई कंपनी में टेक्निकल सपोर्ट देके डेस्कटॉप सपोर्ट का भी काम करवा लेते हैं, कई बार डेस्कटॉप सपोर्ट देके टेक्निकल का भी काम करवा लेते हैं, तो वो कंपनी पर डिपेंड करता है। बट मैं यही कहूँगा अगर जॉब मिल रही तो जॉब करो, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जैसे एक्सपीरियंस होगा आपकी ग्रोथ होगी और आगे चल के आप स्विच कर सकते हो जिसमें भी जाना चाहो, चाहे नेटवर्क हो, लिनक्स हो, क्लाउड हो, AI हो, मशीन लर्निंग हो, या जिसमें आप जाना चाहो। बट स्टार्टिंग अगर है तो आपको कर लेनी चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट हो या डेस्कटॉप सपोर्ट हो। तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।